आप भी रोहित शर्मा और आवेश खान को बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आवेश खान को जब बैक टू बैक रन पड़ रहे थे तो रोहित शर्मा ने ऐसा फैसला लिया और ऐसी चमत्कारी कप्तानी करी कि आवेश खान को भी बहुत बड़ा विकेट मिल गया। और कैसे रोहित की चतुराई व आवेश की गेंदबाजी से पूरा मैच ही पलट के रख दिया दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर, आपको पूरा वाक्य दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, आवेश खान, भुवनेश्वर कुमार और बुमराह में बेहतर कौन है? नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान की टीम के बीच में यूएई में सबसे धमाकेदार मुकाबला खेला जा रहा है। इस मुकाबले की शुरुआत ही भारतीय क्रिकेट टीम के नाम रही। रोहित शर्मा मैदान में आए, टॉस जीता और टीम के लिए सबसे सफलतम फैसला यानी कि गेंदबाजी ही चुने। अब गेंदबाजी में शुरुआत इतनी बेहतर थी कि पारी के पहले ओवर में बाबर और रिजवान जैसे खिलाड़ी मिलकर भी 6 से ज्यादा रन नहीं बना पाए। प्रेशर बढ़ता चला गया और पारी के तीसरे ओवर में धोबी ने बाबर को अपने जाल में भी फांस लिया। लेकिन इसके बाद दोस्तों, मैदान में एंट्री हुई फकर जमान की। रिजवान और जमान के बीच में एक अच्छी पार्टनरशिप बनती दिख रही थी। इनके साझेदारी को तोड़ना भारतीय क्रिकेट टीम के लिए बेहद ही जरूरी था। खास तौर पर रोहित शर्मा को एक ऐसा प्लान बनाना था जिसके चलते दोनों में से कोई एक तो आउट हो ताकि रनों की रफ्तार कम हो जाए, क्योंकि दोस्तों पावर प्ले में अब इनका स्कोर 50 टच करने वाला था। ऊपर से जब आवेश खान को लेकर आए तो न सिर्फ उनके ओवर में चौका लगा बल्कि एक शानदार छक्का भी जड़ दिया था मोहम्मद रिजवान ने अपनी धाकड़ बल्लेबाजी के दम पर। रिजवान की रफ्तार को देख अब इस पार्टनरशिप को तोड़ने के लिए रोहित शर्मा ने वाकई में अपने दिमाग का इस्तेमाल किया और आवेश खान को वो सीक्रेट बताया जिसके चलते वो इस पार्टनरशिप को तोड़ने में कामयाब हो गए। दोस्तों, पारी के 6 ओवर का है। मोहम्मद रिजवान आवेश खान को चौका और छक्का जड़कर प्रसाद दे चुके थे। इस ओवर की 4th गेंद पर स्ट्राइक रोटेट हो गई और अब स्ट्राइक पर आ चुके थे दोस्तों फकर जमान। फकर जमान के हाथ में भी खुजली तो होनी ही थी रिजवान को इस तरीके से शॉट लगाता देख। तभी दोस्तों रोहित शर्मा ने आवेश खान को अपने करीब बुलाया और बोला कि शॉर्ट पिच गेंद का इस्तेमाल करिए। रोहित शर्मा ने दोस्तों अपने हाथ के एक्शन का इस्तेमाल करते हुए आवेश खान को समझाया और वो उनकी बात को समझ भी गए। दोस्तों वहर का होना था, आवेश खान ने रोहित की इसी सलाह को अपना लिया। अगली गेंद को इतनी भयंकर शॉर्ट पिच गेंद में तब्दील कर दिया कि गेंद सीधा फकर जमान के सर के ऊपर से जा ही रही थी कि गेंद उनके बल्ले का किनारा लेकर दिनेश कार्तिक के हाथ में चली गई। अब ताज्जुब की बात दोस्तों ये थी कि केवल आवेश खान के अलावा इस साउंड के लिए किसी ने भी अपील नहीं करी और जैसे ही मैदानी अंपायर ने आउट दे दिया तो पूरा स्टेडियम चौंक गया, क्योंकि रोहित शर्मा तो क्या, दिनेश कार्तिक भी नहीं जानते थे कि विकेट होने वाला है। लेकिन दोस्तों आवेश खान की चतुराई ने और उनकी प्रेजेंस ऑफ माइंड ने भारतीय क्रिकेट टीम के लिए ना सिर्फ अपील करी बल्कि बड़ा विकेट भी दिला दिया। खैर दोस्तों, आवेश की सफलता को देख हर कोई खुश हो गया और रनों का यह काफिला थोड़ी देर के लिए तो समाप्त हो ही गया था। लेकिन मानना पड़ेगा रोहित शर्मा की चतुराई को कि वो गेंदबाज जो 2 गेंद में 10 रन दे चुका था पाकिस्तान के खिलाफ इतने प्रेशर भरे माहौल में, उसी ने अगले गेंद पर विकेट लिया रोहित की सलाह के चलते। ऐसे में दोस्तों रोहित की यह सलाह, उनकी कप्तानी व आवेश की गेंदबाजी ने भारतीय क्रिकेट टीम को एक बड़ा विकेट दिला दिया। लेकिन आप सभी रोहित की कप्तानी और आवेश की गेंदबाजी को 10 में से कितने नंबर देंगे, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।